हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल रिएक्शन। सो गाइस, आज वीडियो शूट करने से पहले जो हमारी बातें थी अगर रिकॉर्ड होगी तो एंजॉय करें, नहीं हुई है तो बस हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद है मजे में होंगे, खुशबाश होंगे और ए रिएक्शन को देख रहे होंगे और जो पसंद कर रहे होंगे उनका थैंक यू सो मच, जो पसंद नहीं कर रहे उनका भी थैंक यू, थैंक यू सो मच करना चाहेंगे कि आप फिर भी हमें कमेंट करते हैं। नहीं, उनका डबल थैंक्स के वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो आप भी दे रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल, तो हिम्मत की बात, उनकी ड्यूटी हमसे डबल हो जाती है, हिम्मत की बात है। सो गाइस, आज की जो रिक्वेस्ट है वो उनको जो साहब हैं, अमान साहब हैं, अमान शेख साहब, उनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कहना चाहूंगा। उनको मैंने काफी एक हफ्ते से मैं कह रहा था, आज रात कल रात उस समय में हफ्ता पूरा गुजर चुका है, ये हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, वेरी वेरी सॉरी कहना चाहेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि आपने कौन से सॉन्ग मता है बाय राका एंड जावर। ये सॉन्ग 2017 में रिलीज हुआ था। तो वीडियो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपको कहना चाहेंगे प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो गाइस, तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम देखते हैं सॉन्ग और उसके बाद फिर मजीद आपसे होगी बात। सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग, 3, 2, 1 स्टार्ट। पाकिस्तान प्रेजेंट्स मुद्दा रागा जामर डॉक्टर भाई आशे। शुरुआत करी जीरो से, ना निर्भर रहना था लकीरों पे, एक गली के दो लौंडे दोनों चीते बिल्कुल जय और वीरू से, ए बना दी शोले ब्लॉकबस्टर हिट, जो फालतू बोले ठोका पीटा करा सब फिट, कि चीते चढ़ गए दर्द से सर गए, कि ये कलम जमना बारी भारी पड़ गए, जमना पार बना हुड बना ईस्ट कोस्ट अडिस्तान वाले सारे के सारे यहाँ बीस मोड खुली, चुनौती जिसमें भी हो बूदा यहीं पे खड़े हैं, जिस मर्जी से भिड़ लो, कि ना होती मेहनत तो मैं चढ़ता नहीं, वक्त को पीछे छोड़ मैं आगे बढ़ता नहीं, मेरा काम ही कुछ ऐसा जो शेयर करवा दे रफ्तार मेरे मामू का लड़का नहीं। गिरा दूं मैं मुद्दे से पर्दा, काबिल लड़का बनना था मुझे घर का, रातों को जागा था पक्का इरादा, लो दुनिया हिला दी होने लगी चर्चा, नामी गर्रामी हर मुद्दे पे हमी, हर मुद्दे के शुरुआती पहलू में कमी, जो कमी थी हमने वो पूरी कर डाली, अब कमी की चौखट पे खड़े हम शानी, रुख बदला किस्मत का ना करा, ये लड़का लड़ते फिरते बाना शहजादा, इस गढ़ का रोने ना लगे जो इस गाने के आगे, तेरा पिछला गाना लगने लगे जरदा, जी हाँ जनता का मन था ये यावर रागा, साथ में आना तो बनता है दोनों एक गाने में आग लगाते, एकदम रवास क्या बोलता है बंटा है। उम्र 13 बरस थी, कागज रोटी और स्याही सब्जी, तब से ही बस फिरी मगज की, लिखने की मुझे चढ़ी तलब सी, कहने को मेरे साथ तब भी लोग तो थे पर बातें कम थी, यावर का साथ था बस, दोस्त का हाथ था बस, चढ़ी समुद्र पर चल दी कश्ती, आमिर भाई मिले मिला नया पुश हमें, जैसे टूटन में मिल गया कश हमें, असली रीसी और असली प्रमोशन हम जीत गए, पर ये जीत थी उनकी, कहने को मेरे पास आज कुछ नहीं, सब कुछ पर क्योंकि कोई दुख नहीं, जो भी लिखता हूँ टीम बजाती है, इतनी आबादी ये नाम जो फैलाती है, शाउट आउट्स मिले यहाँ से वहाँ से, बढ़ रहा मेरा नाम तेज हवा से, जिसमें भी हो दम क्रेज दबाते, फुल बैंगर ये बेस चाहे हटाते, टैक्टिक आमिर भाई ऐसी लगाते, कि तेरा नाम प्ले लिस्ट से ही मिटाते, तेरा गाना बजने की कोई बजाते, मेरा यूं ही बकने में ही तो मजा है, हाँ आदत है इनको, नहीं बजाते तो लानत है इनको, मैं करूँ सर्वनाश कामक है इनको, जितने घमंडी है सबको गिन लो, मैं मार दूंगा इनको, मैं मार पांच बार फाड़ दूंगा इनको, कसम से सारे गिन लो, एक एक नहीं सारे साथ मिलो, चाहे उस पार या जमना पार मिलो, चाहे मेरे या अपने घर के बाहर मिलो, ख्वाहिश तेरी और जीत होगी मेरी ही, फाड़ दूंगा अगर किसी ने भी देरी की, हार्डकोर हर बार हॉर्डकोर, ये बात मुंह फाड़ नहीं असली गौरव को, बीफ पांच यही खत्म अगर समझा तू, अब नहीं पकना मत घबरा तू। दोनों एक दूसरे के फेवरेट रह चुके हैं, सब उतना ही सामने आए तो बेहतर, मुझे दुश्मनी तुझसे या तेरी कला से नहीं, देख ले ली तेरी कहकर। सो गाइस, तो ये सॉन्ग था जो 2017 में रिलीज हुआ था और आर्टिस्ट तो आपको बता ही दिया था, सॉन्ग भी आपको बता दिया, म्यूजिक जो है वो जावर ने दिया है, डायरेक्टर बाय आशिर है और लेबल जो है वो आर्टिस्ट आन है, और इसमें रैप बेसिकली जो इसमें था वो बहुत ही मतलब एक अच्छा था, जिस तरह हम बात करते हैं एमिवे के सॉन्ग की कि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो कोई ऐसा बनावट नहीं, नेचुरल होता है, सेम यही यहाँ पे चीज़ थी, और उसके बाद वॉइस अच्छी थी और
स्पेशली लाइंस बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लास्ट में लगी कि मुझे तुझसे कोई लड़ाई, तुम्हारी लिखाई से कुछ नहीं, तुमसे। मैंने एग्जैक्टली यही बोलना था अभी कि ये चीज़ बहुत अच्छा कि लड़ाई तुमसे, तुम्हारी कला से नहीं, क्योंकि जिस तरह हम भी जब रिएक्शन देते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी अच्छा बुरा कहना अलग बात होती है, मगर जब भी आप कोई चीज़ बनाए, इवन के मूवीज बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, मगर हम वो कहेंगे कि मूवी के चली नहीं, मगर जब आप कोई भी चीज मेहनत से बनाओगे, कोई भी आप करोगे काम, तो उसमें मेहनत होगी तो वो चीज बुरी हो ही नहीं सकती है। हाँ, कुछ चीजें माइनस हो जाती हैं जो आपको हेट और फ्लॉप कर देती हैं, मगर ओवरऑल जो है जिस तरह इन्होंने वही बात की, जिस तरह मूवी ने भी की, मैंने भी एग्जैक्टली यही बात बोलनी थी कि एंड जो था ना वो कहते हैं दिल को छू गई लाइन, बिल्कुल। और वॉइस जो थी बहुत अच्छी थी और एक यूनिक स्टाइल है बेसिकली रागा का। और बेसिकली जो जहाँ तक मैंने जज किया है, क्योंकि लोग तो हमें कहते हैं कि हमें हिप हॉप की समझ नहीं है, आई होप नहीं होगी, कोई पता नहीं हमें, क्योंकि हमने इस पे कोई पीएचडी नहीं की हुई, मगर ये है कि जहाँ तक मैं समझाऊँ ये जो है जो हिप हॉप सॉन्ग है वो एक है कि जो नेचुरल जो चीजें हो रही हैं उनको डिफाइन किया जाता है, या उनके यानी कि उनके प्रोटेस्ट के लिए एक वॉइस होती है कि आप इस तरह एक स्टाइल बनाओ कि किसी को बुरा भी ना लगे, वो सारी चीजें इश्यूज क्लियर अप उसके अंदर लाइन अप में हो जाए, है ना। बिल्कुल। तो और ये बेसिकली मैं डिस सॉन्ग इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि क्योंकि हर जितने भी हैं वो जैसे मुफाद रैपर है, सॉरी इन्होंने, हां या इस तरह कह के मतलब सबका लेवल है, तो लेकिन उन्होंने साथ साथ अपनी भी थोड़ी स्ट्रगल जर्नी बताई कि हम इतने साल के थे, ये थे, हमने ऐसे ऐसे किया कि अगर पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाकी चीजें हैं मेरे पास, सब है, मतलब मेंशन उसने ये भी किया, यानी कि बिल्कुल। और बीच में जो शोले का दिखाया जय वीरू का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल सॉन्ग तो था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इस सॉन्ग में, वो थी रागा की वॉइस जो बहुत ही यूनिक और सुपर्ब थी, और जो लिरिक्स थे और जो हिप हॉप उन्होंने था रैप वो बहुत ही कमाल का था। और बाद में कहते हैं ना कि आप मतलब आप एक चीज कर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, आखिर में गलती हो गई, तो वो पूरे किए कड़ाए पे पानी, मतलब आप जैसे देख लें मिसाल के तौर पे कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपसे हर कोई बंदा बहुत खुश है, आखिर में आपने एक चीज़ गलत कर दी, वो फिर पहली चीज़ों को याद ही रखेंगे, जो गलत की है उससे याद रखेंगे। तो ये पहले सॉन्ग बड़ा सुपर जा रहा था, और एंड वाली लाइन जो हम दो दफ़ा मेंशन कर चुके हैं उसमें इसने रागा के सॉन्ग ने चार चांद लगा दिए, तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ये सॉन्ग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में, बल्कि रैप कैसा लगा, रैप सॉन्ग आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। और जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब 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 और बाय बाय।